सदगुरु पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर हिंदुस्तान की प्रेम सेवा की धरती उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम की धरा पर आज 27 सितंबर 2024 को संक्षिप्त सुखद सत्संग और भक्तों से मिलने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जगत को मंगलमय करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्मस्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, निरंतर वर्षा प्रातःकाल से प्रारंभ है, झूम झूम कर पानी बरस रहा है। आने वाले कमजोर श्रोता घर ही में रुक गए हैं, जिनको बहुत हिम्मत साहस था वही यहाँ पहुंचे हैं। मनुष्य कैसे सुख पाता है, कौन कौन से वे गुण हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य को सुख मिलता है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्मान नित्य हितैषी मोह तजी सद्विवेक सुख खान। सद्विवेक सुख की खान है। एक तो ऐसे है जैसे एक फूल मिल गया आपको, बड़ा सुंदर गुलाब का फूल मिल जाए तो भी तुम्हारा मन खुश होता है, लेकिन 1000 एकड़ गुलाब की फुलवारी खिले हुए फूलों के सहित मिल जाए तो कितना खुशी होगी। ऐसे ही थोड़ा सा सुख मिल गया तो भी मनुष्य खुश हो जाता है, पर सुख की खान मिल जाए। खान का मतलब होता है जैसे लोहे की खान, सोने की खान, चांदी की खान, जिसमें चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, लोहा ही लोहा है। ऐसे सुख की खान में सुख ही सुख है, बहुत सुख है। और संसार में कुछ लोग सुखी है, बहुत सुखी है, और कुछ लोग दुखी है, बहुत दुखी। कितने लोगों की जिंदगी पूरी दुख में ही निकल गई, रोते धोते चिल्लाते हाय दाए, पूरा दुख ही दुख। कितने लोगों की पूरी जिंदगी सुख में बीती,
और मृत्यु भी सुख से होती है। और कितने लोगों को बचपन में बहुत सुख मिला है और जवानी में दुख मिला है, और जवानी ढल गई तो फिर सुख मिला है। बड़ा अद्भुत करिश्मा है। जिंदगी एक किताब है, हर रोज एक नया पन्ना खुलता है, नया पेज खुलता है, हर रोज एक नई जिंदगी का अनुभव आपको होता है। ये जीवन आज जैसा तुम जी चुके हो, कल ऐसा नहीं होगा, कल कुछ नया होगा, कल कुछ दूसरा होगा, कल कुछ अलग होगा। जिंदगी रोज नित नूतन रूप लेकर आती है, इसलिए आदमी कल की जिंदगी से घबराता है, डरता है कि कल क्या होगा। देखो भाई आज तक तो निपट गए, कितने लोगों से कहते सुना गया है अभी तक तो सब ठीक रहा है, अब देखो आगे ठीक रहेगा क्या रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अभी तक बुढ़ापा ठीक है गुजरा है, अब आगे आने वाला समय है, देखो भगवान कृपा करे ठीक है गुजर जाए। भय है, कल की जिंदगी में भय है, आने वाला समय भयभीत है, डर लगा हुआ है, और जहां डर है वहां सुख कहां, जहां भय है वहां सुख नहीं है। कितने लोग भय में सोते हैं, रात भर भयभीत रहते हैं, सवेरे भय में जागते हैं और दिन भर भय में ही काम करते हैं। तमाम प्रकार के भय है, एक भय नहीं, बहुत से डर है, ऐसे ऐसे डर है जो तुम अपने डर भी दूसरों से कह नहीं सकते। एक आदमी को बहुत अच्छा लगा, उसको लगा सही बात, उसको हंसी आ गई। बहुत विचित्र भय, और भय भय व्यर्थ नहीं है, भय फालतू नहीं है, भय है तो है, भय है इसलिए भय है, ऐसा नहीं है कि फालतू भयभीत है आदमी। बिजनेस में भी भय है कि इस साल तो बिजनेस ठीक ठाक निकल गया, अगले साल देखो क्या होता है। परिवार में भी भय है कि इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक लाज मर्यादा इज्जत के साथ परिवार चल गया, अब आगे देखो क्या होगा। आश्रम में भी भय है, आश्रम में लोग भयभीत है कि इतने दिन तो ठीक ठाक चला क्षमा देव के समय तक, अब आगे देखो क्या होगा, वहां भी डर है। और डर ये फालतू नहीं है, विद्यार्थी को भी भय है कि पढ़ाई तो खूब किया हूं, परीक्षा भी ठीक से दिया हूं, देखो रिजल्ट क्या होगा, भय है। माता पिता को भय है कि अभी तक तो लड़के लड़की सब ठीक चल रहे हैं, आगे भविष्य में देखो भाई कोई लड़की लड़का कुछ गड़बड़ ना कर दे, इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये भी भय, डर लग रहा है, उम्र बढ़ रही है, समय निकला जा रहा है, अब भय लग रहा है कि बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगी तो शादी कैसे होगी, और शादी हो गई 16 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए तो फिर भय लग रहा कि होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 16 साल तो बांझ निकल गया मामला, अब आगे का समय कैसा। सबकी जिंदगी भय से आच्छादित है। पुलिस जवान को भय है कि रात में ड्यूटी लगी है कोई ऐसा बदमाश ना आ जाए हमको ही मार डाले, वो भी भयभीत है।
बदमाश को भी भय है कि पुलिस ज्यादा लगी हुई है और पुलिस की ड्रेस भी ऐसी है, चमकती नहीं है, मटमैली है, दिखती नहीं है, किसी तरफ खड़ा होगा आड़ में गोली मार देगा, उसको भी भय है। सब लोग भय, गाड़ी लेकर लोग चलते हैं घर से, भय लग जाता है, गाड़ी के स्टेयरिंग को हाथ से छू के मस्तक में लगाते, फिर हाथ जोड़ते, भय है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वापस ठीक ठाक आएंगे कि नहीं आएंगे। मिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं, खुद भयभीत है, पत्नी भयभीत है, लोग भयभीत है कि जिंदा वापस लौटेगा कि कश्मीर से लाश आएगी, लपेट कर तिरंगा में आएंगे नवरंगा दास। भय है, पूरा संसार डरा हुआ है और ये डर ये व्यर्थ नहीं है, इस डर के भीतर भी बड़ा रहस्य है। जो बड़े विद्वान हैं, जिनको बहुत कुछ याद है, फर इस श्लोक बोलते हैं, झरझर झरझर कविताएं गाते हैं, उनको भी भय है कहीं स्मृति विलुप्त न हो जाए, याद शक्ति गायब न हो जाए। दो चार दस श्लोक तो भूल ही गए, चौपाइयां भूल गई हैं, दिमाग कटता जा रहा है, भय है। भय से भरा हुआ संसार, भय से भरे हुए लोगों के दिल, भय से भरी हुई दुनिया, भय से भरा हुआ जीवन सुखी कैसे होगा, कैसे सुखी होगा। पत्नी को भय है पति जी साथ देंगे जिंदगी भर की नहीं देंगे, अभी तक तो साथ दिया है, आगे क्या पता है। सब भय में चल रहा है, मरीज को भय है डॉक्टर दवा जीने के लिए देगा कि मरने की दवा दे देगा। हर मनुष्य को बीमारियों का भय है, कहीं दर्द हुआ तो संदेह होता कैंसर तो नहीं है, कहीं कुछ गांठ निकली तो फिर कैंसर का संदेह हो गया। मन में ऐसा लगता है अभी तक तो शरीर ठीक ठाक चल गया, आगे क्या होगा। जहां जहां तुम्हारा प्रेम है रिश्ता है वहां वहां भी भय है कि रिश्ते कब टूट ना जाए, प्रेमी लोग कब छूट ना जाए। मनुष्य का मन बदलते देर नहीं लगती है, तुम बड़ा भरोसा करके बैठे हुए और जिस पे भरोसा किया है उसका मन बदल गया है। तुम कहते हो विश्वास में धोखा हो गया, तो जिसने धोखा दिया वो कब कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, वो कहता है कि मैंने कब कहा था तुम मुझ पर विश्वास करो, तुमने क्यों विश्वास किया, विश्वास में धोखा हो गया। तुम मशीन खरीद कर लाते हो, भय है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। 20 लाख की गाड़ी लाए हो, भय है इसके अंदर कोई फॉल्ट न निकल जाए। 20 लाख की गाड़ी लाने के बाद कोई फॉल्ट निकले तो एजेंसी जिम्मेदार नहीं है, वो सब दस्तखत करा लेती है। तुम भयभीत हो। पंजाब में एक व्यक्ति कार खरीदा, कार में फॉल्ट निकला, सरदार था, बड़ा परेशान हो गया, बड़ी मुश्किल से रो धोकर कार खरीदा, फाइनेंस लिया, उधार लिया, कर्जा लिया, उसे गुस्सा आ गई। 5 लीटर पेट्रोल लेकर वो कार लेकर एजेंसी पहुंचा और बोला 3 लीटर में कार फूंक दूंगा अपनी और 2 लीटर में मैनेजर को फूंक दूंगा। बहुत लड़ाई हुई,
खूब झगड़ा हुआ। पुलिस आई, पुलिस ने कहा अंदर बैठकर समझौता हो जाएगा। अंदर बैठे, जब इतना बड़ा तांडव हुआ तब जाकर समझौता हुआ कि तुम्हारी कार पूरी ठीक कर देंगे। भय से भरा हुआ जीवन, कहां शांति मिलेगी। तो विशाल देव कहते हैं सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तज सद विवेक सुख खान। जहां सत्य है, जहां क्षमा है, जहां निष्कामता है और जहां ममता मुक्त जीवन है, जहां निर्छलता है, छल कपट नहीं है, सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण, जहां निर्माणता है, अभिमान नहीं है और जहां नित्य हितैषी, नित्य माने रोज, नित्य माने हमेशा, डेली हर दिन, जहां हित के कार्य हो रहे, हित माने कल्याण, कल्याण के कार्य हो रहे, जो स्वयं का कल्याण और दूसरों का भी कल्याण कर रहा है, वहां पर नित्य हितैषी मोह तज, और जिसने मोह त्याग कर दिया है और जिसका सद्विवेक पैदा हो गया, सच्चा विवेक जाग गया जिसके अंदर, विशाल देव कहते हैं सुख खान, वो सुख की खान हो गया। वो सुखी नहीं है, सुख की खान है। उसके पास जाओगे जैसे सोने की खान में जाओ तो 1 किलो सोना आसानी से मिल सकता है, ऐसे जिसका जीवन सुख की खान है उसके पास में जाओ तो थोड़ा सुख तुमको भी मिल सकता है। इसलिए गुरु के पास लोग क्यों आते हैं, सत्संगी सत्संगी से क्यों मिलता है। मैं कल से देख रहा हूं कानपुर से महान भक्त श्री शिव सहाय मिश्रा जी इंस्पेक्टर साहब आए और उनकी पत्नी आई है। पत्नी का नाम बता दो, शशि मिश्रा। और लखीमपुर से महान भक्त श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता। तो मैं तो बहुत देर उनसे नहीं मिल पाया लेकिन वे तीनों सत्संग कर ही रहे हैं कल से। कभी खड़े खड़े सत्संग करते हैं, कभी बैठे बैठे करते हैं, कभी फिर चलते चलते करते हैं। तीनों का सत्संग अभी तक बंद ही नहीं हुआ है, ये तो मेरे कारण बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनको सुख मिल रहा है। वे कहते हैं कि राजेश्वरी गुप्ता बहुत ज्ञान है और राजेश्वरी कहती है ये इंस्पेक्टर की पत्नी को ध्यान बहुत है, उनको ज्ञान इनको ध्यान। अब दोनों मिलकर के बड़े खुश हुए, बड़े सुखी हुए। तो जो सुख की खान है उसको देखने से भी सुख मिलता है, जो अभिमान की खान है खाम खा अहंकार करता, मुंह ऐसे बनाता है, लगता है यही सब कुछ है। लंका का रावण मर चुका है, इंडिया में यही पैदा हुआ है रावण, ऐसा चेहरा भयानक दिखाता है, वो हमेशा दुखी रहेगा, उसके पड़ोस जो रहेगा वो भी दुखी रहेगा। दुख तुम्हारे दुष्कर्मों से तो पैदा ही होता है लेकिन जिनके जिनके साथ तुम रहते हो उनकी उनकी लापरवाही से, गलतियों से, अपराधों से, उनके पाप से, उनके फालतू बात से, उनके दुष्कर्मों से,
उनके गलत विचारों से, उनकी आदतों से भी तुमको भी दुख भोगने को मिलता है। बहुत बड़ी बात है। जिनकी बहुएं ठीक नहीं है, कबीर ने लिखा है उनके घर में क्या है, संतों अंधाधुंध अंधियारा, उनके घर में अंधाधुंध अंधियारा है, बहुएं ठीक नहीं। और जिनके बेटे ठीक नहीं है, उन मां बाप की जिंदगी में तांडव मचा हुआ है। इसलिए भक्ति कर तो इतनी कर कि बेटा बेटी के ऊपर भी असर पड़ जाए, उन पर भी असर पड़ना चाहिए। आज कानपुर के इंस्पेक्टर श्री शिव साहेब मिश्रा जी कह रहे थे कि जब आपको दान में भेजता हूं हर महीने मासिक दान 5100, तो अपने बेटे से ही पे फोन कराता कि तुम डालो, मैं तो गुरु का हूं ही, पर तू भी गुरु का ही हो जा, उसी से डलवाता हूं दान। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को अभ्यास कराना, अच्छे अच्छे सत्कार्यों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए, भक्ति के कार्यों के लिए बच्चों को प्रैक्टिस कराना, बच्चों से वो काम कराना। लखीमपुर की महान भक्त श्रीमती सुमन गुप्ता कह रही थी, जब कुछ सामान लाना होता है तो अभिलाष गुप्ता को भेजती हूँ, छोटे बच्चे, और या तो फिर उषा गुप्ता को और राजेश्वरी गुप्ता को लेकर मैं खुद मार्केट निकलती हूँ आपके लिए जब लाना होता है, कि जांचो परखो समझो फिर लेना। एक छोटी सी चीज गुरु जी के लिए लेना है, 5 किलोमीटर मार्केट में चलकर व्यायाम हो गया वो अलग फायदा, और गुरु जी का छोटा सा सुंदर सामान मिल गया वो अलग फायदा, और गुरु जी के नाम से घूम रहे हैं कि गुरु जी की बाल्टी लेना है। ये याद रखना, बच्चों को भी संस्कार दीजिए, इसी को कहते हैं संस्कार देना। बहुओं को भी संस्कार दीजिए, उनके हाथों से भी दान कराइए, उनके हाथों से मेहमान को जलपान पहुंचवाइए, बच्चों के हाथों से अतिथि को जल पिलवाइए, उनके हाथों से गुरु जी को दक्षिणा भी दिलवाइए, बच्चों के हाथों से माला गुथवाइए कि चलो माला ले चलो, ताल मखाना की माला। मैं तो फूल की माला जानता था, प्लास्टिक के फूल की माला जानता था, और नोटों की माला जानता था, मोती की माला जानता था, लेकिन श्री अभिलाष गुप्ता और विकास गुप्ता लखीमपुर वालों ने ताल मखाना की माला भी हमको पहचान करा दिया। ताल मखाना होता ना, ताल मखाना, और किसी भगत ने सुना कि ताल मखाना की माला गुरु पहनते हैं, तो उसने क्या किया आपको पता है, वो इतना मोटा मोटा नारियल की माला बना के लाया। हमने कहा क्या बात, बोले ताल मखाना तो लोग पहना चुके हैं, ये रोहा नारियल, जटाधारी नारियल इतना बड़ा बड़ा, तो हमने कहा ये पहनते बनेगा, बोले बने ना बने तुम जानो, हम तो पहना ही देंगे एक बार। ताल मखाना की माला भी बहुत सुंदर है, पहनिए, हल्की भी है, व्हाइट भी है, और साथ में उतारने के बाद खीर और सेमई में डाल दो तो मसाला का काम भी करती है, सदुपयोग वाली माला। पूरी माला नहीं डालना है, धागा निकाल लेना है। कुछ लोग सोचेंगे पूरी डाल दो, पूरी नहीं, अलग अलग करके धो के डालना ताल मखाना। संस्कार दीजिए, और सारा खेल संस्कारों का है। अपने माँ बाप का धन
संपत्ति, जमीन, मकान, सामान, बेड, टीवी, फ्रिज, पैसा, रुपया, सब कोई ले लेता है, हर बेटा बेटी ले लेता है, लेकिन माँ बाप की अच्छे अच्छे गुण, माँ बाप की भक्ति, माँ बाप का सदाचार, माँ बाप के सद्गुण, माँ बाप की सभ्यताशालीनता, माँ बाप का अनुशासन और माँ बाप की कलाएं जो संतान ले लेती है, उसको भविष्य में कभी संताप नहीं मिलता है, संताप नहीं मिलता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और कबीर ये भी कहते हैं कि भोजन कम खाओ या ज्यादा खाओ, लेकिन इतना कमाओ कि 200-400 हजार लोग और खा सके। एक ही कमरे में सो गए, लेकिन 2-3 कमरे ज्यादा भी बनाओ। एक कमरा ऐसा बनाओ जिसमें बैठकर ध्यान करो, जिसमें आराम से योगा करो, जिसमें लेटे लेटे प्रवचन सुनते रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे। जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत बनाया, पर एक कमरा ऐसा भी हो। और एक कमरा ऐसा भी बना लो जो कोई मेहमान आ जाए तो निश्चिंत उसमें रख सको। और एक कमरा ऐसा भी हो जहां गुरु को भी बिठा सको। कचरा गंज वाले कमरे में मत बिठा देना, साफ सुथरा जगह बिठाओ। कितने लोग तो कचरा गंज में बिठा देते हैं। साफ सुथरा गुरु को बिठाओ। और एक हॉल भी घर में हो जहां पर बैठकर कभी गुरु आ जाए तो सत्संग हो जाए। कभी हफ्ते में मौका मिला तो संडे के दिन परिवार के सहित बैठकर 1 घंटा भजन भक्ति हो जाए। प्रवचन ना सुना सको, कम से कम भजन ही गा दो। कुछ पत्नी भी गाए, कुछ पति गाए, कुछ माँ बाप गाए, कुछ सास बहू गाए, कुछ बेटा गाए, कुछ पोता गाए, कोई मंजीरा बजाए। अभी मैं बनस गांव गया था महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट नासिक, बनस गांव। तो एक बच्चा बहुत अच्छा सा तबला बजा रहा था, एक बच्चा मंजीरा बजा रहा था, और उन्हीं के घर गया था मैं। मेरा रहने का मकान अलग था, बढ़िया न्यू मकान, फर्स्ट क्लास। बड़े आनंद से रहे हम। तो सत्संग के पहले उसके भजन चालू थे। छोटा सा बच्चा, 12 साल का, तो मैं उसको देख कर मुस्कराया। तो उन्होंने बताया ये बचपन से ही संस्कारी है, भजन वजन गाता है। उसके साथ साथ 7 साल के 2 बच्चे बैठे थे, मंजीरा बजा रहे। भजन भी तुम्हारे भावों को शुद्ध करता है, इसलिए भजन भी गुनगुनाया करो। स्वर चले न चले, भजन गा दिया करो। भजन में मस्ती आती है, भजन से सुस्ती मिटती है, और भजन से मन आनंदित हो जाता है। इसलिए कितने लोगों को तुमने देखा होगा अकेले में भजन गाते रहते ना, गुनगुनाते रहते, अकेले गाते रहते। बचपन में मैं देखता था, स्त्रियां आटा पीसती थी, गेहूं हाथ की चकिया से भजन गाती थी और पीसती भी थी, धान कूटती थी। नेपाल में गया, बड़े बड़े मूसल थे, 8-8 फीट के ऊंचे मूसल, और 7-7 फीट की ऊंची औरतें, और खड़े होकर मूसल धमाधम, एक एक गाली का बजाय गाला था। 4-4 महिलाएं 4-4 मूसल धम 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 चलाती थी। तो मैं तो दूर से देखा, मैंने कहा क्या हो रहा है, इस तरह से कोई आदमी कूट रही क्या, 3-4 मेहरुआ। तो मैं उनके घर में झांका। तो बोले धान कूटे जा रहे,
हमने कहा चलो निकलो, यहाँ कुटाई शुरू, साधु रुकेगा वो भी कूटा जाएगा, धान कुटाई हो रही और वो भजन भी गा रही थी। निवेदन है जिनके घर में धान कूटे नहीं जाते, आटा पीसा नहीं जाता, गेहूं काम हल्का है, वे सभी महिलाएं व्यायाम करें, योगा करें, पैदल चले, कम भोजन करें, जोर से हंसे, पागल बनकर कमरा बंद करके हंसे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। उनके बच्चे कहे मम्मी कुछ कुछ पागल हुई है, बहू कहेंगी रोज हंसती है पूरे पागल है। लोग जब पागल कहने लग जाए तो समझ लो तुम स्वस्थ हो, हंसते रहो। स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी जरूरी है, थोड़ा व्यायाम भी जरूरी है, पैदल चलना भी जरूरी है और प्रसन्न रहना भी जरूरी है। ये सब फार्मूले हैं, सुखी होने का फार्मूला। आपके पास दो ही चीजें हैं, तन है और मन, और दो ही के बीच में सुख है और दुख है। शरीर में कुछ गड़बड़ होगा तो दुख, शरीर में सब ठीक ठाक तो सुख, मन में कुछ गड़बड़ होगा तो दुख, मन में सब ठीक ठाक है तो सुख। कोई मोबाइल यहाँ नहीं देखेगा, इसको बता दो नंदलाल को मोबाइल बंद कर लो, होश में रहना है, मोबाइल बंद रहना चाहिए। कोई यहाँ पर नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मिलिट्री वाला हो, चाहे आला बाला ताला हो, सब नियम का पालन। साहिब बंदगी बोलना पड़ेगा, साहिब बंदगी वृंदावन में कहते हैं ना राधे राधे बोलना पड़ेगा, यहाँ साहिब बंदगी बोलना पड़ेगा। साहिब बंदगी सत्य क्षमा निष्कामता निरछलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तजी सद विवेक सुख खाने। तिलक लग रहा है, श्रद्धा से तिलक लगवाई। सत्य क्षमा, देखिए क्या कहते हैं विशाल देव कि सत्य। कबीर कहते हैं सांच बराबर तपन है, और तुलसीदास कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। देखिए सभी महान पुरुषों की बात है, सत्य कितनी बड़ी चीज है, लेकिन सत्य में लास्ट में ये सब चीजें बोली गई हैं। सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण पांच हुई, नित्य हितैषी छह हुई, मोहतज सात, लेकिन आठवीं बात जो कही गई कि सत्य हो लेकिन विवेक पूर्ण हो। ये सब चीजें विवेक पूर्ण, जोश से भरी नहीं, विवेकपूर्ण। ऐसा नहीं टूटे चाहे फाटे हम सच ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। दो लोगों में जिस सत्य को बोलने से मनमुटाव होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, तो उस सत्य को रोक लीजिए। इसलिए सद विवेक कहा गया, मत बात कहिए, मत बोलिए, चुप रहिए। किसी ने तुम्हारे प्रेम में कोई सही बात बता दी, तुमने जाकर जिसके बारे में बताया उससे कह दिया, तो लड़ाई हो जाएगी उनमें आपस में, फिर पता लगाएंगे कौन कहा, तो तुम ही पकड़े जाओगे। सत्य क्षमा, सोचिए सत्य को भी फिल्टर करना पड़ेगा। सत्यवान हरिश्चंद्र नहीं बनना है आपको, सत्यवान हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वज थे,
तो सत्य के कारण उनको डोम के घर पानी भरना पड़ता है। ऐसे डोम के घर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जितना सामान मार्केट में बिकता है सब पे झूठ रेट लिखा हुआ है, 10 रुपये का सामान है 30 रुपये रेट लिखा है, फिर उस पर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के बाद बेनिफिट होता है, और बेनिफिट होता है तो वहां ग्राहक फिट होता है। सब फिट हो गया। तो सत्य का मतलब है उसमें फिल्टर भी लगाना है, फिल्टर लगाना है। कोई बात मां ने आपसे कहा है, आप अपनी पत्नी को पूरा पूरा मत बताइए, विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। मां ने तुमको अपने अंग का टुकड़ा मान करके बता दिया है, थोड़ा उसमें फिल्टर लगाइए तब आगे बढ़ाइए। क्योंकि मां का भी दिल होता किसी से तो कुछ कहूं, किससे कहूं, क्योंकि बात अंदर अंदर बहुत बड़ी क्रांति मचाती है। किसी से कहने का मन होता है, किससे कहूं, सर्वेश से कहूं कि कल्पेश से कहूं, तो फिर कहने वाला सोचता है उससे कहूं जो किसी से न कहे, तो तू भी किसी से मत कहे, तो बोलता मैं किसी से कहे बिना रह नहीं सकता, और ऐसे से कहूंगा जो किसी से न कहे, तो जिससे तू कहेगा वो भी यही कहता है, किसी से मैं भी कहूंगा पर मैं भी कहे बिना नहीं रह सकता। अरे चुप हो जा, वहीं रोक ले। बात का बड़ा खतरा है संसार में, बहुत खतरा है। सत्य में फिल्टर लगाना जरूरी है। इसलिए सत्य बोलने के लिए वाणी का तप कहा गया है। सत्य हो, प्रिय हो, सत्य की शर्त है सत्य हो लेकिन प्रिय सत्य हो, सत्य हो लेकिन हितैषी सत्य हो, जिसमें कल्याण हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, ऐसा सत्य हो। थोड़ा घुमा कर बोलिए, लखीमपुर जाना है थोड़ा बाईपास से जाइए ताकि जाम में न फंसो, इसलिए सत्य पर ही जाना है, लेकिन बाईपास से निकल जाओ, सीधे डायरेक्ट मत लगा दो। सत्य में विवेक, लास्ट में कहा गया सद विवेक, विवेक करो। फिर क्षमा, क्षमा में भी विवेक करना जरूरी। किसको कितनी सजा देनी है, किसको कितना क्षमा करना है, किसको क्षमा करने से कौन कितना सुधरेगा, कौन क्षमा करने से और बिगड़ेगा, कौन दंड देने से सुधरेगा, ये बहुत विवेक करना आवश्यक है। क्षमा, जैसे भगवान राम ने परशुराम को बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया, कोई आंसर नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, जो वे बकते रहे बोलते रहे, राम मुस्करा कर सुनते रहे, क्योंकि राम विवेक कर रहे थे कि बाबा है, बूढ़ा है, परशुराम है, ये भी भगवान है, मेरी कैटेगरी का ही है, मैं थोड़ा पूर्णावतार भगवान हूँ, ये अंशावतार भगवान है, बुजुर्ग हो गया है, थोड़ा गुस्सा आ गया है, इसलिए अंशा अवतार है, गुस्सा आए तो अंशा अवतार, पूरा कंट्रोल रखा है तो पूर्णा अवतार। तो राम भगवान ने बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर दिया, लेकिन राम भगवान कोई भी उनको कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मार दूं, अरे अगर भगवान राम हाथ उठा देते तो भगवान राम उनसे छोटे हो जाते। भगवान राम मुस्करा रहे। परशुराम ने जब समझा, विवेक आया, क्रोध के बाद विवेक आ गया। क्रोध में भी विवेक रहना चाहिए, बिना विवेक का क्रोध बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, आपकी लाइफ को बिगाड़ सकता है, भविष्य को बिगाड़ सकता है, भाग्य को बिगाड़ सकता है, आपको गड़बड़ा सकता है, आपकी स्थिति परिस्थिति को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, ये कोई साधारण बात नहीं। विवेक, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मुझे गुस्सा तो बहुत आई लेकिन
मैंने यहां रोक लिया, सब विवेक कर लिया। परशुराम को जब विवेक आया तो परशुराम ने क्षमा मांग लिया। गलती कितनी बड़ी हो, अंतरात्मा से जब व्यक्ति क्षमा मांग लेता है तो उस गलती के पाप से वो छूट जाता है। बहुत बड़ी बात है, अपराध से उसको मुक्ति मिलती है। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन याद रखना गलतियां इंसान से स्वीकार नहीं होती है। और जिनसे गलतियां स्वीकार हो जाती हैं उनसे गलतियां फिर बार बार नहीं होती हैं, बार बार नहीं होती हैं, बार बार नहीं होती हैं। अंतरात्मा से अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। 10 लोग तर्क वितर्क करके तुमको स्वीकार कराने में ही कसरत कर रहे हैं, और तुम गलती करके बैठे हो फिर भी बताते हो ऐसी बात नहीं वैसी बात नहीं, तो कैसी बात है भाई। जब तक मनुष्य अपनी गलती के लिए तर्क करता है, बात लड़ाता है, जवाब देता है, तब तक समझ लो उसने गलती स्वीकार ही नहीं किया है। और गलती जिसने स्वीकार नहीं किया है वो गलती बार बार करने की तैयारी में लग गया है। इसलिए गलती जिससे भूल हो जाए तो ये मानव का लक्षण है, और जो भूल को कबूल कर ले ये महामानव का लक्षण है। और भूल दूसरे से हो जाए उसको बचाने के लिए स्वयं पर भूल को कबूल कर ले, ये संत हृदय का लक्षण है। और जिससे भूल कभी ना हो वो भगवंत हृदय का लक्षण है, भगवंत हृदय का लक्षण है, भगवान का रूप है। धरती से पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं, धरती से पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं, भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं, गुरुदेव हमारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये संत के प्यारे आए हैं, धरती से पाप मिटाने को गुरुदेव हमारे आए हैं। सुमिरन भजन करो तुम दिल से, साथ में यही जाएगा। सुमिरन भजन करो तुम दिल से, साथ में यही जाएगा। गिरते हुए हर मानव के ये बन के सहारे आए हैं, गिरते हुए हर मानव के ये बन के सहारे आए हैं, भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं, धरती से पाप मिटाने को ये प्राण प्यारे आए हैं। ज्ञान के दाता सतगुरु जी हैं, ये दुनिया वालों पहचानो। ज्ञान के दाता सतगुरु जी हैं, ये दुनिया वालों पहचानो। कल्याण की राह दिखाने को ये भक्तों के प्यारे आए हैं, कल्याण की राह दिखाने को ये भक्तों के प्यारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को
राजे दुलारे आए हैं, भूले को राह दिखाते हैं और ज्ञान की बात सुनाते हैं। भूले को राह दिखाते हैं और ज्ञान की बात सुनाते हैं। हर मानव को समझाने हेते ये प्राण प्यारे आए हैं, गिरते हुए हर मानव के ये बन के सहारे आए हैं। धरती से पाप मिटाने को ये प्रेम इस संत के प्यारे आए हैं। जो प्रेम भाव से आते हैं उसे ज्ञान का दान देते हैं, जो प्रेम भाव से आते हैं उससे भक्ति का दान ये देते हैं। साथ में अपने लेकर के अमृत के धारे आए हैं, साथ में अपने लेकर के अमृत के धारे आए हैं। भक्तों का दुख हरने को गुरुदेव हमारे आए हैं, धरती से पाप मिटाने को संत प्यारे आए हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्य क्षमा मनुस्मृति में मनु जी ने धर्म के जो 10 लक्षण बताया है उसमें दूसरा लक्षण क्षमा को कहा है, और विदुर जी ने महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को जब संदेश सुनाया था तो विदुर जी कहते हैं दो चीजें इंसान को स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्रदान करती है, एक तो प्रभुश्च क्षमया युक्तो द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरितिष्ठता, प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। दो बातें मनुष्य को स्वर्ग से ऊंचे स्थान दिलाती है। नंबर एक, जो लोग प्रभुता संपन्न है, धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, जनबल भी है, शक्ति है, लेकिन फिर भी कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, वे लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। दूसरे, दरिद्रश्च प्रदानवान, जो लोग गरीब हैं, मीडियम हैं, अरबपति खरबपति नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति परिस्थिति में संघर्ष करते हुए धर्म के लिए जन सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा के लिए, मंदिर सेवा के लिए, भंडारा सेवा के लिए दान करते हैं, वे लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। दरिद्रश्च प्रदानवान, स्वयं के पास में बहुत धन नहीं है लेकिन जो है उसमें से ही दान करते हैं,
उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। दान बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो समय दान हो, चाहे धन दान हो, चाहे श्रम दान हो, चाहे अन्न दान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे रक्त दान हो, और चाहे प्रेम दान हो या जीवन दान हो, लेकिन दान शब्द ही बहुत बड़ा महत्व रखता है। दान देने का अर्थ यही है, जो तुम्हारा था उसको तुमने हंसते हंसते दूसरों की सेवा के लिए त्याग कर दिया है, दूसरों के लिए अपना रक्त दान दे दिया है, समय दान दिया है। लोगों के पास समय बहुत कम है, व्यस्तता बहुत है, लेकिन फिर भी आप किसी के यहाँ जब मेहमान जाते हैं बन करके, शादी विवाह में जाते हैं, तो आप खाली वहाँ जाते हैं, समय दान देते हैं, लेकिन जिसके यहाँ गए हो आप, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है तुम्हारी समय दान देने से। तुम वहाँ खड़े हो गए, बैठ गए, थोड़े लोग चर्चा करते हैं, अरे वो सुरेंद्र गुप्ता चीनी मिल वाले आए थे वहाँ, वो भी बैठे थे, उनकी विवाह में आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे उनके यहाँ बेटी के विवाह में। तुम 5 मिनट का समय दिए हो, उतने में उनका मान सम्मान बढ़ गया है। और याद रखना, अपनी प्रतिभा को ऐसा बनाइए जिसके साथ खड़े हो जाओ उसका कद तुम्हारे साथ बढ़ जाए, जिसके पास बैठ जाओ उसका भी सम्मान बढ़ जाए, जो तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा के डाल दे तो लोग देखकर आश्चर्य कर रहे, इनके साथ कैसे पहुंच गए। ऐसा अपना कद बढ़ाइए, ऐसे अपने गुण बढ़ाइए, ऐसी अपनी योग्यता बढ़ाइए, और अपने आप को प्रसन्नता से भी भरिए। हर हाल में खुश रहना सीखिए। सत्संग का समय भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। सत्य क्षमा निष्कामता, धृति क्षमा दमोस्तयम, सोचम इंद्री निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। निष्काम होना बहुत बड़ी चीज है। निष्काम, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम रिश्ते अखंड रहते हैं, ये टूटते नहीं हैं। जो निष्काम है वो दुखी कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना ही नहीं, निष्काम हो गया। निर्छलता, जिसका मन निर्छल है, रामायण कहती है जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसुख रघुराया। निर्छल है, निष्कपट है, वहां भगवान वास करते हैं, वहां दुख कैसे रहेगा। भगवान तुम्हारे हृदय मंदिर में रहते हैं, सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन कब रहते हैं। वाल्मीकि ने कहा है कि जो आपको स्मरण करके, निवेदन करके, आपका ध्यान करके भोजन करें, उनके हृदय में रहना, और जो ऐसे ही खा लें गाय भैंस की तरह, उनके पास मत जाना। तुम ही निवेदित भोजन कर रही जिनके कपट दंभ नहीं माया, ऐसे अपने अंतःकरण हृदय को बनाइए जिसमें आत्मा परमात्मा का रूप ले ले। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। कितनी स्त्रियां कहती हैं हमारे पति तो बिल्कुल भगवान रूप है, कितने पुरुषों से मैंने सुना हमारी पत्नी तो देवी के समान है, कितने लोगों से सुना अरे हमारे मम्मी पापा बहुत ही देवी देवता है।
और वास्तव में सब देवी देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन अपनी मां का जब तुम आदर करते हो तो विश्व की सभी देवियों का आशीर्वाद तुम पर बरसने लग जाता है, तुम पर बरसने लग जाता है। और आदर का मतलब है उनको प्रसन्न करो, आदर का मतलब है ऐसे कृत्य करो, ऐसा स्वभाव, ऐसा आचरण, ऐसी कथनी बदनी रहनी और ऐसा जीवन बनाओ जिसको देख देख करके माँ मंद मंद मुस्कराती रहे, पिताजी खुश हो। और ऐसे पिता बनो कि आपकी बाल बच्चे, आपकी पत्नी सब थोड़ा संतोष रखो, गुस्सा को खत्म करो, ये क्रोध तुमको बिखरा देगा, अकेला कर देगा, बहुत दुख देगा। तुम सोचोगे परिवार दुख रहे है, परिवार दुख नहीं दे रहा, तुम्हारा क्रोध तुमको दुख दे रहा, तुम्हारी गुस्सा तुमको दुख दे रही है, परिवार तो तुमको बुला रहा है, तुम इतना गुस्सा में हो, तुम ही भाग रहे हो, इसलिए क्रोध को ठंडा करो, गम खा लो। छत्तीसगढ़ में एक भक्त कह रहा था, अछोटी गांव का, रजऊ राम नाम है, रजऊ राम साहू, कह रहा था घर में ऐसे रहना चाहिए कि बर्तनों की आवाज जैसे घर में सुनाई देती है बाहर न सुनाई दे, ऐसे ही घर की बात घर ही में रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता ही न चले, ऐसे गम खा कर रहना चाहिए। कह रहा था मैं तो माइक रखा हूं घर में भी, हर रोज शाम को सत्संग होता है, घर जुड़ा हुआ है। एक आदमी अंगूर खरीदने गया, पूछा ये अंगूर कितने रुपये में, बेचने वाले ने कहा ये 70 रुपये किलो है। तो ये अंगूर कुछ उसके ठेला पर रेडी पर बिखरे हुए अंगूर थे, गुच्छे से टूटे हुए, बोले ये 30 रुपये किलो। बोले हैं तो ये भी अच्छे, फिर इनका रेट सस्ता क्यों? बोले ये अपने गुच्छे से टूटकर अलग हो गए इसलिए रेट इनका 30 रुपये हो गया। याद रखना, संत महात्मा भी यदि जमात में है तो उसकी करामात कुछ और है, अंगूर के गुच्छे से टूट गया अंगूर, उसकी कीमत 70 रुपये से 30 रुपये किलो हो गई। ऐसे परिवार के गुच्छे में अगर जुड़े हुए हो तो तुम्हारी कीमत भी 70 रुपये किलो है, अगर टूट कर अलग पड़ गए तो फिर 30 रुपये किलो में बिखरा हुआ अंगूर बिकेगा और सड़ भी जल्दी जाएगा। जुड़ करके रहो, संगठन से रहो, साहिब बंदगी भी बोलो, सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी करो, थोड़ा व्यायाम के लिए काम भी कर लो, टहल लो, पैदल चल लो, योगा कर लो और भोजन चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ। सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण निर्माण रहो, कभी अहंकार मत करो, विनम्र रहो, विनम्र व्यक्ति सबको प्रिय होता है, अभिमानी से कोई प्रेम करना नहीं चाहता है। क्यों अभिमान दिखाते हो किसी को, तुमने क्या बहुत कुछ दे दिया है जो अभिमान दिखाते हो? जिन्होंने दे दिया है वो विनम्र है, हाथ जोड़ते, और तुमने कुछ भी नहीं किया है आंख घुड़कते, कौन तुम्हारी आंख की घुड़कन सहेगा? विनम्रता सीखो, नम्रता सीखे सरलता, गही विनेश विधान से, नित्य हितैषी, हमेशा दूसरों के भी हितैषी रहो और खुद के भी हितैषी रहो, जिसमें तुम्हारी आत्मा का स्वयं हित हो, दूसरों का हित हो, ऐसा कार्य करो। मोह तज और मोह को त्यागो, यदि आपका बेटा गलती करे तो उसको जेल जाने दो, एक बार जेल हो आएगा पूरा सुधर के आ जाएगा, रोको मत,
कहीं लेन देन मत करो, जल्दी भेजो उसको, भगवान कृष्ण की जेल का दर्शन करके आ जाएगा। खूब थोड़ा ठोंका पीटा जाएगा, मच्छरों में पड़ा रहेगा, जेल में सड़ेगा, वहां सब जेल में तो सब दुष्ट भरी है, वहां जहां देखो तहां लोग लघुशंका करते, सब बदबू आती जेल में। मैं लखीमपुर की जेल में प्रवचन करने गया तो वहां बदबू आ रही थी, तो मैंने जेल अधीक्षक से कहा बदबू आ रही है। बोले अथाह चूना डाल दिया, मैं जानता था तुमको बदबू आएगी, अभी भी आ रही है। हमने कहा अभी भी आ रही। बोले ये बदबू, यहाँ जो जेल में रहते हैं लोग, ये सब दुष्ट है, जहाँ तहाँ लघुशंका भी कर देते हैं और सब गंदगी फैला देते हैं, सफाई इन्हीं से करवाता हूँ, लेकिन बदबू है, उसी बदबू में रहना पड़ता है। बेटे को सुधारना है, सजा मिल जाए तो ले लेने दो सजा, बहुत बढ़िया है, एकदम खुशी खुशी ठीक हो जाएगा वो, ज्यादा बचाओगे तो बिगड़ेगा ज्यादा, फिर बचाने कोशिश मत करो, कूट जाने दो, पिट जाने दो थोड़ा। कोई गुरु का चेला बिगड़ जाए, वो भी पिट जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा लोग ठोंक ठाक दे, हथौड़े चला दे, बस सुधर के आ जाएगा पूरा, फावड़ा कुदाल बनकर आएगा बहुत काम का हो जाएगा। उदंड को दंड ही सुधारता है। नित्य हितैषी मोह तची, मोह का त्याग करो, ममता की जंजीरों में खुद को मत बांधो। ममता तो न गई मेरे मन से, न मन मरे न माया मरे, मरी मर गया शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए संत कबीर। ममता तो न गई मेरे मन से, ममता भी हटाइए समता रखिए। सदविवेक सुखान, जिसके पास में सदविवेक है वो व्यक्ति सुख पाता है, बिना विवेक के सुख नहीं मिलेगा। हर कदम विवेक से उठाइए, बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े या पढ़ मन कोश, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बिना विवेक कार्य करेगा बहुत दुख पाएगा, इसलिए विवेक रखो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आज सत्संग का समापन है, हमारे पास दो चार भक्तों के फोन आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम 18 से 20 अक्टूबर के कार्यक्रम में आएंगे। बोले 26 से 27 भी है पर उसमें आना है हम, अगर वो ना होता तो इसमें आ जाते, बहुत बड़ी बात है, उसमें आएंगे, कितनी अच्छी सोच है उनकी। सदविवेक सुख खान, विवेक करो। 18 19 20 अक्टूबर को कार्यक्रम है, उसके लिए आप सभी का सादर आमंत्रण है। नंबर दो, जो भक्त कुंभ कलेक्शन अधिकारी बने हैं, अर्थात कुंभ मेला के लिए चंदा राशि इकट्ठा करने के लिए रसीद बुक यहाँ से ले गए हैं, उनको हमारे केशवदास वैभवदास कुंभ कलेक्शन अधिकारी का बैज लगा दें। हाथ ऊंचा कर दें, कौन कौन कुंभ कलेक्शन अधिकारी है इसमें, ठीक, सबको लग चुका है, ये भी है नीलम, नीलम लगा दो, नीलम को जल्दी से बेच पहुंचा दो, कहना ना पड़े अपने आप, टाइम कम है हमारे पास, दे दो वहां उषा जी लगा देगी। और एक पीछे हाथ उठाया, कौन है वो, बंडा वाले, बहुत अच्छा मीठा लाए थे, अच्छा बात, नाम बताओ, बंडा वाले नाम बोलो, विनय, विनय जी, विनय बिशलपुर वाले, उनको भी लगाइए जल्दी। कुंभ कलेक्शन अधिकारी जो बनता है उसको कुंभ मेला की एक सेवा रसीद दी जाती, एक लो दो लो, आप अपने प्रभाव से उसको
दूसरों से राशि इकट्ठा करके लाकर गुरु जी के पास जमा करते हैं ताकि उससे कुंभ मेला में भंडारा हो। कुंभ मेला में 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक अपना कैंप लगेगा, जिसके द्वारा वहां पर बहुत बड़ा भंडारा होगा, बहुत बड़ा भंडारा होगा। आपको वहां आशीर्वाद मिलेगा, उसमें भी न्योता है आपका। 18 अक्टूबर को पूज्य श्री गुरुमन देव के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा और सत्संग, 19 अक्टूबर को पूज्य श्री क्षमा देव जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा और सत्संग, और 20 अक्टूबर को जन्मदिन आपके गुरु का मनाया जाएगा। कुछ भक्तों ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आशीर्वाद मांगा है। रोशन कुमार यादव, पिता सुनील कुमार यादव, ग्राम मोइन महुआ, दरभंगा बिहार, 1100 की राशि भेजा है दक्षिणा। आयुष्मान भव, धनवान भव, बुद्धिमान भव का आशीर्वाद दिया जाता है। इनके हमें सत्संग भी 2-3 दिन किया हूँ, बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब बिहार जाता हूँ 200 किलोमीटर दूर भी दर्शन करने आएंगे तो संतों के लिए रसगुल्ला लाएंगे 15-20 किलो, और साथ में जलेबी दही लाएंगे। ऐसी श्रद्धा वाले हैं। अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगा है, धन्य हो सुनील भैया। श्रीमान राम सगुन यादव, मीरा देवी यादव, बेदोलिया, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, ये हर महीने में मासिक दानी हैं, 1251 की राशि भेजते हैं, इस महीने भी भेजा है और श्रद्धा बहुत है। कह रहे थे बंटवारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन बंटवारे में गुरु जी मिल गए तो हमारे पास 2-3 मकान भी हो गए और गाड़ी वाड़ी सब हो गई और प्रोग्राम भी आपका कर दिया और हर साल बुलाऊंगा मैं। कह रहे थे पता नहीं कहाँ से उन्नत हो गए, घर में तो कुछ मिला उला नहीं। श्रीमान शोभाराम, ग्राम काशिम बनकटी, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, आप प्रत्येक महीने 500 की सेवा भेजते हैं, इस महीने भी भेजा है, ताली बजाइए इनके लिए। श्रीमान मंगल सिंह, पिता अखिलेश सिंह, ग्राम समरहेटा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, ये भी प्रति महीने 503 रुपये भेजते हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए, ताकि आश्रम में आने वाले संतों भक्तों की सेवा अच्छी हो सके और कोई प्रकार की समस्या न रहे, मेंटेनेंस आश्रम का होता रहे। संत प्रकाश यादव, राम बहादुर यादव, ज्योत बक्स गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, आपके पुत्र संत प्रकाश का जन्मदिन मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आशीर्वाद मांगा है। आपको भी हम आशीर्वाद अपने गुरु से मांगते हैं, आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव और 1100 दक्षिणा भेजा है और प्रोग्राम की मांग किया है कि बड़ा प्रोग्राम करूंगा, 10 लाख का खर्चा करूंगा और अयोध्या में जो आश्रम बन रहा है उसमें 100% टाइम आप दे रहे हैं। बहुत श्रद्धावान हैं ये राम बहादुर यादव जी, प्रेम बहुत है। श्रीमान दीपक राय, श्रीमती रेखा राय, कृष्णा पार्क, नई दिल्ली से, आप प्रत्येक महीने 1100 दान भेजती हैं ताकि गुरु जी की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा होती रहे, तो इस महीने भी भेजा है दिल्ली से। राय परिवार को आशीर्वाद दिया जाता है, ताली बजा दो। हमारे श्रीमती नीलम देवी नाम है ना, नीलम गुप्ता को भी बैस लगाया जा चुका है, ये भी बहुत एक्टिव है, इनकी पधरौनी भी की जा चुकी है, बहुत सेवा किया था, आशीर्वाद है। लखीमपुर से आई है श्री विनय जी, बिशलपुर वाले, इनको भी कुंभ कलेक्शन का बैच लग चुका है और इनको भी आशीर्वाद है। आज बड़े सुंदर फल फूल मीठा सब लाए थे, इनके साथी लोग भी बड़े प्रेम से आए थे, हम साथियों से भी खुश हैं, उनको भी आशीर्वाद है। और ये कार्यक्रम संक्षिप्त था, संक्षिप्त हो चुका है, ये कार्यक्रम आज समाप्त हो गया है। कल हम लोग तैयारी करेंगे
बाराबंकी जिले में यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर पर प्रवचन है 1 और 2 अक्टूबर को, तो वहाँ हम 30 को ही पहुँच जाएंगे, बाकी गाड़ियाँ 29 को ही पहुँच जाएंगी और वो सत्संग शुभारंभ हो जाएगा। उस सत्संग का आनंद आप अपने मोबाइल में लेंगे, मोबाइल में डाला जाएगा। मोबाइल में प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और सुनिए भी, और साथ में दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित भी कीजिए। और जो लोग मोबाइल के द्वारा दान भेजना चाहते हैं, नंबर बहुत सरल है, 6262610211, 6262102121, इसी पर पे फोन करेंगे। और इस आश्रम में सबसे बड़ा योगदान मातेश्वरी करुणावान महिला श्रीमती सुमन गुप्ता है, खड़ी होइए, उनके पुत्र अभिलाष गुप्ता भी खड़े हैं, ये छोटा बेटा है, ये जो हाल है इन्हीं का बनवाया हुआ है, ये सब रेलिंग सीढ़ी व्यासगादी और ये सब टायल ये पंखा, बहुत बड़ा इनका समर्पण है इस आश्रम में। इधर जो ये इंग्लिश ईंटा लगा हुआ है 10,000 स्क्वायर फीट में, 8 लाख इसमें खर्चा आया है, ये भी इन्होंने लगवाया है। और इनका सोच है कि उधर 15-20 कमरा बनवा दूं, ऐसा धन हो जाए, गुरुजी आशीर्वाद दो, ताकि ये भगत लोग खूब आराम से रहें। तुम लोगों के लिए सोच है, अकेले इतना बड़ा सोच है, श्रद्धा सोचिए। हेलीकॉप्टर देखा था राष्ट्रपति का पिछले साल, और ब्रजभूषण शरण सिंह का देखा, तो बोले हमारे 3 पैसा हो तो अपने गुरुजी का हेलीकॉप्टर ही दे देते, वह उड़ती बढ़िया रहती। इतनी बड़ी सोच उनकी है। और चीनी की सेवा आश्रम में श्री सुरेंद्र गुप्ता, श्रीमती उषा गुप्ता, श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता, यहाँ जो शकर की सेवा होती है, खीर में शकर पड़ती है, चाय में पड़ती है, खड़े हुई उषा गुप्ता, श्री सुरेंद्र गुप्ता, ये चीनी देते हैं। कोटा आश्रम के लिए भी इन्होंने चीनी भेजा था, गुरु पूर्णिमा में डेली खीर बनती थी और बूंदी बहुत बनी थी वहाँ नुक्ती, और यहाँ भी इनकी चीनी आती है बड़ी श्रद्धा से। और इन तीनों ने एक एक गाय भी दान यहाँ दिया है, गाय, और वो गाय वहाँ से आई थी राजस्थान से, उसको कुछ बोलते हैं गिर की गाय, वो महात्मा चाह रहे हैं उनको बुला लेना, थोड़ा उनको दान वान भी देना है, महात्मा चला जाएगा, कोई जाकर बुला लो। हाँ बुला लेते। अब आरती का समय भी आ गया है, आरती मंगल गाए। हेलो, बोली सदगुरु भगवान की जय। अब सत्संग के पश्चात अब आप और हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान का मंगलकारी आरती करके आप और हम सभी पुण्य प्राप्त करेंगे, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव श्रद्धा के साथ पतित पावनी आरती का आप और हम सभी पुण्य लाभ प्राप्त करें। आरती 3 बार घुमाने के पश्चात एक दूसरे भक्त को प्रदान करते जाएंगे, आरती शुभारंभ कर देंगे। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख
करता ये सुख करता ये भक्ति दिलाने वाला है बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता ये सुख करता ये भक्ति दिलाने वाला है बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही गुरु धाम यही गुरु नाम यही गुरु धाम यही ये है गुरुवर की आरती दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे गुरु देव है दीन दयाला है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे गुरु देव है दीन दयाला है सबका ये रखवाला। ये कृपा करे सब कष्ट हरे ये कृपा करे सब कष्ट हरे ये सुखदाता की आरती दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती दुखियों का दुख है निवारती। ये करुण सिंधु ये दीन बंधु सही राह बताने वाला सतबोध कराने वाला। ये करुण सिंधु ये दीन बंधु सही राह बताने वाला सतबोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे भव पार करे तय ताप हरे ये गुरु महिमा की आरती दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती दुखियों का गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप सभी यथास्थान बैठ करके गुरुदेव जी को त्रिबार बंदगी प्रणाम करें। बंदौ सन्मुख पार की शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारहु बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बोली सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु श्री क्षमा देव की जय। सद्गुरु श्री गुरुमन देव की जय। सद्गुरु विशाल देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री असंग देव की जय हो। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।